नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे वीडियो के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग एंड हेल्प फॉर बेटरमेंट। दोस्तों, अगर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाना चाहते हैं या फिर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको आप अपडेट कराना चाहते हैं, रिन्यूअल करवाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ परिवहन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया कुछ एक अपडेट जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के लिए या फिर रिन्यूअल करने के लिए ये अपडेट अभी जारी किया गया है। तो आज की वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ कि क्या क्या अपडेट वहाँ पर किया गया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो अपने को परिवहन सेवा के ऑफिशियल पोर्टल पर आना रहेगा। पोर्टल पर आप देख सकते हैं कि जो ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी है उससे रिलेटेड कुछ अपडेट यहाँ पर की गई है। जो प्राइवेट यूजर्स है, जो प्राइवेट कार्स को चलाते हैं, बाइक्स को चलाते हैं, कमर्शियल व्हीकल को नहीं चलाते हैं, उनके जो ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी है 20 साल के लिए रखी गई है जब से वो ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जाता है। मतलब जिस डेट को ड्राइविंग लाइसेंस को इशू किया गया उससे लेके 20 साल तक ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होने वाला है। परंतु यहाँ पर एक चीज़ क्लियर की गई है कि जो ड्राइवर है उसकी एज हाईएस्ट यहाँ पर 40 साल तक ये वैलिड होने वाला है। मान लीजिए अगर वो 23 साल की एज में करवाता है तो वहाँ पर उसकी जो 40 साल तक की एज होगी तब तक ये ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है, मतलब 17 साल के लिए ही वैलिड होने वाला है। वहीं अगर कोई इंसान 40 साल की एज के बाद में अगर अपना ड्राइविंग लाइसेंस को इश्यू करवाता है या फिर रिन्यूअल कराता है तो उसकी जो ड्राइविंग लाइसेंस की एज है वो 10 साल के लिए होने वाली है, और 10 साल के बाद में जब वो रिन्यूअल कराता है या फिर इश्यू करवाता है तो उसकी जो एज है आगे 5 साल के लिए ही वैलिड होने वाली है। इसके अलावा आप नीचे देखेंगे कि कुछ एज कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस को इशू या रिन्यूअल किया जाता है। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आपको यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं और आपकी एज 30 साल अभी नहीं हुई है तो आपकी जो ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी होने वाली है वो तब तक वैलिड है जब तक आपकी जो एज है 40 साल की नहीं हो जाती है। मान लीजिए आपने आवेदन किया है 24 साल की उम्र में तो आपके जो 40 साल की उम्र होती है मतलब 16 साल के लिए आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो वैलिड होने वाला है। 16 साल के बाद में आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपको रिन्यूअल कराना रहता है। सेकेंड कैटेगरी की अगर बात करें कि अगर आपकी 30 साल से ज़्यादा हो चुकी है और 50 साल से कम है तो अगर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होने वाला है, इसके बाद में आपको रिन्यूअल करवाना रहता है। थर्ड कैटेगरी की अगर बात करें तो अगर आपकी एज 50 साल से ज़्यादा हो चुकी है और 55 साल से कम है तो आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को अगर बनवाते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस तब तक वैलिड है जब तक आपकी जो एज है 60 साल नहीं हो जाती है। 60 साल की एज के बाद में आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको रिन्यूअल आपको करवाना रहता है। अगर अपन बात करें फोर्थ कैटेगरी की तो फोर्थ कैटेगरी के अंदर आपको यहाँ पे क्लियर किया गया है कि अगर आपकी एज 55 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए बनने वाला है। 5 साल के बाद में आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल नहीं करवा सकते हैं, ना ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाना चाहते हैं या फिर उसको रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो आपकी जो भी एज की कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो रिन्यूअल होकर आने वाला है या फिर बनकर आने वाला है। दोस्तों, परिवहन डिपार्टमेंट की अपडेट से संबंधित जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाएं ताकि हमारे आने वाले इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद जय भारत।